नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। दूध में पानी की मिलावट को अभी तक किसी कानून के दायरे में नहीं लिया जाता, इसीलिए गांव से दूध बेचने आने वाले अथवा घर पर टंकी में दूध लेकर बेचने आने वाले दूधिये दूध में पानी की मिलावट करते हैं। ये लोग कहीं से भी पानी भरते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिलावट कैसी भी हो, वो एक अपराध ही है। लेकिन दूध में पानी की मिलावट को कोई भी अपराध नहीं मानता, इसे एक सामान्य बात की तरह समाज स्वीकार कर चुका है। यही वजह है कि दूधिया घर पर दूध बेचने आने वाला व्यक्ति बिना किसी भय के दूध में पानी मिलाता है और फिर उसे ग्राहकों को देता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला मप्र के श्योपुर जिले का है। यहाँ पदस्थ कलेक्टर संजय कुमार आज जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो ढेगदा पुलिया पर उन्हें एक दूधिया ढेगदा नदी से पानी लाकर दूध में मिलाते हुए दिखा। उन्होंने उसकी इस हरकत की फोटो अपने मोबाइल में कैद की और उसे बुलाकर हिदायत दी कि सेवा करने के इस कार्य में इस प्रकार का गलत काम ना करे, इससे ईश्वर नाराज होता है। कलेक्टर ने समझाने के बाद दूधिया से कहा कि आज माफ कर रहा हूं, लेकिन आज के बाद यदि ऐसा करते दिखे तो फिर सजा मिलेगी। कलेक्टर ने दूधिया की हरकत को अपने जिले के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। मध्य प्रदेश में मिलावट और भ्रष्टाचार पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। कहीं भी कोई मिलावट खोर बचता नहीं है। शिकायत मिलते ही शासन की एजेंसियां उसके यहां छापे मारकर सबूत इकट्ठा कर कोर्ट में पेश करती है और फिर उसे सलाखों के पीछे भेजती है। लेकिन दूध में पानी की मिलावट को अभी तक किसी कानून के दायरे में नहीं लिया जाता, इसीलिए गांव से दूध बेचने आने वाले अथवा घर पर टंकी में दूध लेकर बेचने आने वाले दूधिये दूध में पानी की मिलावट करते हैं। ये लोग कहीं से भी पानी भरते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।